हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आज 14 तारीख है और आज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो आपका फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, उसमें आपको जो है आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। तो आप यहाँ पे, जहाँ पे मैं टाइप कर रही हूँ, यहाँ पे आपको टाइप करना है www.ignu.ac.in। ठीक है, तो आप जो है इसकी वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा अपना रिज़ल्ट चेक करने के लिए। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कहीं भी कुछ नज़र नहीं आएगा, बट आपको जो है ये जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, 3 लाइंस, इस पे आपको क्लिक करना है और आपको स्टूडेंट सपोर्ट में जाना है, क्योंकि आप स्टूडेंट हो। तो आपको इग्नू के बारे में भी नहीं जाना, रजिस्टर ऑनलाइन भी नहीं करना है अभी फ़िलहाल, रीजनल नेटवर्क के बारे में भी नहीं जानना, आपको स्टूडेंट सपोर्ट में जाना है और फिर उसके बाद आपको रिजल्ट सेक्शन में जो है क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन ओपन होके आ गए हैं, जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम, रिटर्न ग्रेड कार्ड, पिन मेट, टर्म एंड ग्रेड कार्ड, रिवोल्यूशन, हॉल टिकट, एडमिट कार्ड, तो कॉन्टैक्ट अस का भी है, इसमें नंबर दे रखा है। तो अगर आप इग्नू में फ़ोन करके कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हो, कॉन्टैक्ट अस में जाके नंबर दे रखे हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको अपना रिज़ल्ट चेक करना है। तो टर्म एंड यानी दिसंबर में 2 से 3 तारीख तक जो आपने एग्ज़ाम दिए थे, उसका जो रिज़ल्ट आना बाकी है, उसको टर्म एंड एग्ज़ाम भी कहा जाता है, टी एग्ज़ाम भी कहा जाता है। तो आप टर्म एंड पे आप जो है इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, आप चाहो तो आप यहाँ से ऊपर से भी इस पर क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर टर्म एंड का ऑप्शन दे रखा है, लेकिन फ़िलहाल हम यहीं से इसको जो है प्रेस कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। और इसके बाद एक सेकेंड, इसमें जो है अभी अब ये ओपन हो गया है। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई दिखाई दे रही है, December 2019 रिज़ल्ट न्यू। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजिंग नज़र आ रही होगी, अगर नहीं आ रही होगी तो आप ध्यान से देखिए। स्टेटस एज़ ऑन February 13, 2020, आपको पता है कि ये तीसरा अपडेट है इग्नू की तरफ से। आप अभी अगर इसको कल चेक करते तो 12 तारीख का भी एक अपडेट था। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, स्टेटस एज़ ऑन February 13, 2020, ये 13 तारीख का यानी कि कल का जो है ये अपडेट है। ठीक है, तो इसमें लेकिन लिखा हुआ है इसमें भी अर्ली डिक्लेरेशन, तो आप ये लगा लीजिए कि अर्ली डिक्लेरेशन वाले बच्चों का, स्टूडेंट्स का भी रिज़ल्ट देखिए 3 पार्ट्स में आया है। सबसे पहले 31 तारीख को आया था, 31 तारीख को आया, फिर उसके बाद अभी फ़िलहाल 12 को मैंने देखा था, यहाँ पे 12/2020 लिखा था और अब यहाँ पे 13/2020 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल स्टूडेंट्स अर्ली डिक्लेरेशन वालों की ही अभी चल रहा है, लेकिन आई होप कि शाम तक या कल तक फाइनली रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अगर आपने इस चैनल पे विज़िट नया किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, इससे आपको एक फ़ायदा होगा कि जैसे आपका रिज़ल्ट आएगा आज शाम तक या कल तक, तो आप तक बिल्कुल जो अपडेट है बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ ही अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगी, और थैंक यू।